हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज आप देखेंगे क्लास टू के बच्चों की हिंदी वर्कशीट। इस वर्कशीट की हेल्प से आप आसानी से बच्चों को हिंदी ग्रामर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि सभी स्कूल्स में ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है और बच्चों के लिए ये काफी नया प्रोसीजर है। अगर उन्हें कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा तो उन्हें ऑनलाइन स्टडी करते वक्त काफी आसानी रहेगी। इसीलिए आप एक एक वर्कशीट की प्रैक्टिस बच्चों से जरूर कराएं, जिससे कि वो आसानी से सारे कॉन्सेप्ट समझ सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदलो। जिस तरह से हम इंग्लिश में बच्चों को जेंडर्स मेल और फीमेल पढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी में पुलिंग और स्त्रीलिंग होता है। पुलिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी महिला। अब यहाँ पर बच्चों को पुलिंग स्त्रीलिंग के साथ मैच करना है, जैसे मोर मोरनी, पति पत्नी, गायक गायिका, हाथी हथिनी, आदमी औरत। नेक्स्ट देख लेते हैं बूढ़ा बुढ़िया, देव देवी, नौकर नौकरानी, शेर शेरनी, लड़का लड़की, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को शुद्ध लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसे बच्चों को शुद्ध लिखना है, यानी कि सही तरह से लिखना है। कई बच्चों को हिंदी के वर्ड्स लिखने में काफी डिफिकल्टीज होती है, तो इस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को काफी हेल्प कर सकती है शब्द को सही तरह से लिखने में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हैरान, तो हैरान कुछ नहीं होता, हैरान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैरान। नेक्स्ट है तुम्हारी, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारी। इसलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इसलिए। नेक्स्ट लिखा है जल्दी, तो ये हो जाएगा जल्दी। परिवार, तो इसे लिखेंगे परिवार। नेक्स्ट है प्रतिदिन, तो यहां पर हो जाएगा प्रतिदिन। नेक्स्ट है कयोकी, कयोकी नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है क्योंकि, ठीक इस तरह से। अगला क्वेश्चन है वचन बदलो एक अनेक। जिस तरह से हम बच्चों को इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल करवाते हैं, ठीक इसी तरीके से हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है। ये सभी एक वचन लिखे गए हैं, अब हमें इसका बहुवचन यानी कि अनेक वचन करना है। तो पौधा का हो जाएगा पौधे, केला केले, किताब किताबें, कार कारें, बोतल बोतलें, आंख आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स, जिसका मीनिंग अलग होता हो, जैसे अंधेरा उजाला, आगे पीछे, बाहर अंदर, उचित अनुचित, ठंडा गरम, होशियार मूर्ख, सुखी दुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अर्थ वाले शब्द लिखें। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसका हमें ऐसा शब्द लिखना है जिसका मीनिंग सेम होता हो, जैसे पानी जल, बादल मेघ, पवन हवा, पुष्प फूल, सूर्य रवि। इस तरह से बच्चों को आप समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द की प्रैक्टिस जरूर करवाएं। नेक्स्ट इज समान अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाओ। बच्चों को समानार्थी शब्द में दो से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप जो हमने अभी पढ़ा और सेकंड टाइप इस तरह का, जिसमें बच्चों को ऑप्शंस दिए जाते हैं और बच्चों को करेक्ट समान अर्थ वाले शब्द पर टिक करना होता है। जैसे आकाश, आकाश का समान अर्थ होगा गगन, स्वतंत्र आजादी, दुनिया जग संसार, इस तरह से। अगला प्रश्न है लिंग से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को पूछे जाते हैं कोष्टक में से सही शब्द चुनकर लिखे। इसे बोलते हैं कोष्टक। कोष्टक में जो सही शब्द है उसे चुनकर यहाँ पर फिल करना है। जैसे शिमला का मौसम ठंडी है या ठंडा है, तो हम नॉर्मली बोलते हैं शिमला का मौसम ठंडा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ठंडा। रोहन रोज स्कूल जाता है या जाती है, तो रोहन लड़का है तो हम यहाँ पर लगाएंगे जाता है। इमली खट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा हंस
रही है, रहा है, तो सीमा गर्ल है तो यहां पर हम लगाएंगे रही है, सीमा हंस रही है। गाय दूध देता है, देती है, तो गाय क्या है स्त्रीलिंग, तो गाय के लिए हम लगाएंगे गाय दूध देती है, ठीक इस तरह से। नेक्स्ट है खाली स्थान में का, की या के लगाइए, यानी कि बच्चों को इसमें का, की, के का सही तरह से यूज करना है। जैसे पापा के जूते, मम्मी की साड़ी, मम्मी की साड़ी, मुर्गी के अंडे, रात का खाना, रात का खाना, गाड़ी के पहिए, बिल्कुल इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा लगाइए। सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे मैं, तुम, हम, वह, उसका, उसकी, इस तरह से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है वह खाना खा रहा है, तो वह हो गया सर्वनाम। आज मैंने फल खाए, आज मैंने, तो मैंने हो गया सर्वनाम। हमारा घर सुंदर है, हमारा हो गया सर्वनाम। ये रही हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप इससे आप सभी को काफी हेल्प मिली होगी। आप इस वर्कशीट के हेल्प से बच्चों की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी को यह वर्कशीट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बने नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, उससे आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।